दमोह के कलाकारों द्वारा बनाई गई फिल्म खजुराहो की बोलती दीवारें हॉलीवुड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कैलिफोर्निया में सेमीफाइनलिस्ट में शामिल हुई। फिल्म के निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि चेता और फिल्म में शामिल श्रीमती रश्मि चेता ने पूरी टीम को बधाई दी। भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृति और स्थापत्य कला को बड़े ही सुंदर ढंग से इस 70 मिनट की फिल्म में प्रस्तुत किया। यह एक ऐसी मनोहारी फिल्म है जिसे आप देखना आरंभ करेंगे तो यह फिल्म अपने आकर्षण से आपको निकलने नहीं देगी। इस फिल्म को एंकर मनीष सोनी ने एक सूत्र में पिरोने का काम किया। गौर से देखें दीवारों को, योग और भोग की संधि पर खड़े सशक्त ये दीवारें, न सीमेंट न गारा, ये तो जुड़ी है धर्म और कर्म की मिट्टी से, निर्वाण मोक्ष और कैवल्य के दर्शन से। खजुराहो फिल्म में एंकर के रूप में काम करना एक काफ़ी बड़ी चुनौती लग रही थी। प्रोफेसर साहब ने, रश्मि चेता जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया, काफ़ी मेहनत की उस जगह पर जहां पर न केवल भारत देश के बल्कि बाहर से आए हुए सैलानी मौजूद हैं, सब आपको देख रहे हैं और आपको उस मंदिर के बारे में बताना है तो काफ़ी कठिन काम लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे प्रयास किया, हम लोगों को सफलता ही मिली है। आज काफ़ी अच्छी खबर आई है कि हम लोग की फिल्म सेमीफाइनलिस्ट हुई है हॉलीवुड डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में। कहीं ना कहीं जो इस तरह के जो मिलते हैं हम लोग को, जो बढ़ावा मिलते हैं, ये एक हम लोग को ऊर्जा देते हैं। इसके पहले भी हमारी फिल्म थी जो स्वच्छ भारत, उसको दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में भी पुरस्कृत किया गया था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दमोह जैसे छोटे शहर में हम लोगों ने एक छोटी सोच से शुरू किया और ये फिल्म आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रही है और न केवल दमोह का बल्कि पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन कर रही है। जैसे कि सभी जानते हैं कि खजुराहो बुंदेलखंड की एक ऐसी धरोहर है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहीं ना कहीं इस धरोहर को बचाने के लिए, इस धरोहर को एक अच्छी सोच के साथ, एक नई सोच के साथ देखने के लिए ये फिल्म हम लोगों ने बनाई है। उम्मीद है कि ये फिल्म आगे और भी पड़ाव को पार करेगी। तो नरेंद्र अठिया ने कैमरे के माध्यम से कला के हर पहलू को आप तक पहुंचाने की जीवंत कोशिश की। एडिटर मधुर गार्डिया ने गजब की एडिटिंग करते हुए फिल्म को साकार किया। इस फिल्म में सिंधु की डांस परफॉर्मेंस और लक्ष्मी शंकर मेजर और साक्षी चावला ने अपनी सुमधुर आवाज दी। विषय विशेषज्ञ द्रौपदी ठाकुर ऋषभ अधिराज ने अद्भुत विषय का चयन करते हुए उस पर रिसर्च की। मनसा सोनी की विशेष उपस्थिति और सहयोगी कैमरामैन दीपक जैन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस फिल्म निर्माण में अदा की। हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो खजुराहो पर पूरी बेस्ड है, खजुराहो के ऊपर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री है और इसको बनाने में बहुत सारी दिक्कतें तो आई हैं, लेकिन एक जुनून था, एक जज्बा था कि हमें इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री बनानी है कि वो जो अनछुए पहलू हैं, जो कभी उभर कर सामने नहीं आए हैं, उनको दिखाना था। गर्मी बहुत थी, 47 डिग्री सेल्सियस का तापमान था, मंदिरों के पास जाना दुभर हो रहा था। उस समय पे बहुत कम ही लोग वहाँ पे आते थे जब दोपहर में हम लोग शूट करने जाते थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग ने वहाँ गए और उन चीज़ों को निकाला जो लोगों की नज़रों में नहीं आ पा रहे थे और उन चीज़ को निकाल के हमारी ये फिल्म बनी हुई है, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री। और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए आपको कि इसको हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में इसको शामिल किया गया है, जो लिस्टेड हुई, सेमीफाइनलिस्ट हुई है ये फिल्म और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आगे जाके फाइनलिस्ट होगी और दमोह का नाम इसमें रोशन होगा। मैं हूँ खजुराहो की नायिका चंदेलों के परी, मैं ना गर्हित हूँ ना पीड़ित, स्वच्छंद भी हूँ स्वतंत्र भी, चंदेलों का स्वप्न भी हूँ और संज्ञा भी, सत्य शिव और सुंदर सब मुझ में समाहित है, धर्म में हूँ और कर्म में भी, गीत संगीत में हूँ प्रेम प्रलाप में हूँ, मैं हूँ सृष्टि, मैं हूँ श्रृंगार, रण में हूँ राजनीति में हूँ, चारों तरफ मैं।
धर्म में देवताओं के सहचर के रूप में, काम क्रीड़ा में शर्मिली संगिनी के रूप में, योगी और योद्धा के रूप में, श्रृंगार और प्रेम के रूप में। इन दीवारों पर नारी की विभिन्न रूप सर्वत्र हैं। वर्षों तक मौन की समाधि में डूबी ये दीवारें बहुत कुछ बोलती हैं। आइए इन्हें गौर से देखें और इन निःशब्द दीवारों को ध्यान से सुने। ये मूर्तियां जीवित होकर स्वयं अपनी कहानी बयां कर देंगी। संपूर्ण विश्व स्तब्ध और मौन, और चंदेलों ने अपने धर्म को रति की तुलिका से तराश दिया। इन मोटी सुंदर दीवारों पर उकेरी ये प्रतिमाएं अमर हैं। इनमें जीवन का प्रत्येक पहलू नजर आता है। धर्म और काम जीवन के दो पहिए के रूप में जन्म से जरा तक की यात्रा में एक दूसरे के सहचर बने रहे। तुर्की आक्रांताओं से भयभीत होकर जहां कई राजवंशों ने अपनी अपनी संयुक्ता को घर की चार दीवारी में कैद कर लिया, वहीं चंदेल समाज ने अपनी नारी को मुक्त भी किया, उन्मुक्त भी। Es realmente hermoso. Es único en el mundo. Nosotros hemos venido aquí especialmente a ver esto. Save for the future. खजुराहो पवित्र संस्कारों की प्राचीन परंपरा का प्रतीक है। विश्व भर के सैलानियों के लिए एक अनोखी कला नगरी और चंदेलों की सामंतशाही संपन्नता को दर्शाती एक हकीकत। ये मूर्तियां अब से हजार वर्ष पहले तराशी गई, फिर भी इतिहासकार और मनोवैज्ञानिक सभी अपने अपने नजरिए से इन मूर्तियों का एक नया खाका खींचने में लगे हैं। सैलानियों के लिए प्रेरणा और आकर्षण का केंद्र रही ये मूर्तियां। इनमें मानव जीवन का हर एक पहलू कहीं ना कहीं उभर कर सामने आता है। गौरतलब है कि इसके पहले भी इसी टीम द्वारा बनाई फिल्म स्वच्छ भारत दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित हो चुकी है। मध्यकाल में भारतीय नारी बुंदेलखंड का जो क्षेत्र रहा है उसमें बहुत स्वतंत्रताएं थी उन्हें, और यहाँ की नारी एक अच्छी योद्धा के रूप में और सभी रूप में संपन्न थी। और मैं ये कहूँ कि इस पूरे के पूरे फिल्म में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि नारी जीवन के केंद्र में। और 17 मिनट की ये फिल्म अपने साथ बड़ी मेहनत के साथ हम लोगों ने तैयार की। हमारे साथ कैमरे के रूप में इसमें नरेंद्र अठिया जी थे, मनीष साथ में काम किए, मधु गाड़िया थे। काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं श्योर तो नहीं था, लेकिन तभी मुझे ये पता चला कि एक हॉलीवुड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो रहा है जहाँ पे मुझे फिल्म भेजनी है। और फिल्म बनाने के ठीक चार दिन के अंदर अंदर मैंने उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये फिल्म भेजी। मुझे करीब 15-20 दिन इंतजार करना पड़ा और मेल के द्वारा मुझे ये सूचना दी गई कि इस फिल्म को सेमीफाइनलिस्ट के रूप में सेलेक्ट किया गया। नाउ सेमीफाइनलिस्ट यहाँ होने का मायने ये है कि विश्व भर में एक वर्ष में बनने वाली लगभग 10 से 12 फिल्मों में से ये एक फिल्म चुनी गई है। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे क्षेत्र दमोह के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारी पूरी टीम के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत के साथ, एक उद्देश्य के साथ, एक पागलपन के साथ इस फिल्म को बनाने की कोशिश की। इस फिल्म का प्रदर्शन मार्च 2018 में कैलिफोर्निया में रेले स्टूडियो कैलिफोर्निया में किया जाना है, और उसके लिए इसे सेमीफाइनल तक इसको चुना गया। दमोह से श्रीकांत मिश्रा की विशेष रिपोर्ट।